नमस्कार सबको, मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वंडर वाइट प्रोडक्ट। ये वाइट कैटेगरी में अभी फ़िलहाल जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट चल रहा है उसका नाम है वंडर वाइट। इसको वंडर बेज भी बोलते हैं, वंडर बेज या वंडर वाइट, दोनों चीज़ों में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये इसके चार पीस हैं, पॉलिश पीस लगा रखे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, इसकी खासियत है। सबसे पहले तो ये किशनगढ़ में एक ऐसा मार्बल है जो 17 mm है, और अगर आप आज ड्रीम फ्लोरिंग, मॉडर्न फ्लोरिंग चाहते हो कि मतलब ट्रेडिशनल से हटके क्या फ्लोर किया जाए, तो सबसे पहले इसका ही नाम आएगा और सबसे बेस्ट यही है। खासियत ये है कि ये बिल्कुल इटालियन लुकिंग की पॉलिश आएगी, बिल्कुल स्पार्कल फिनिश आएगा इससे। इसकी शाइनिंग इतनी अच्छी आती है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अदर ट्रेडिशनल मटेरियल चाहिए आप कोई सा भी बोलोगे, पॉलिश के मामले में, शाइनिंग के मामले में इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता। यहाँ तक काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेड मार्बल आते हैं, चाहे इटली, टर्की, स्पेन, कहीं के भी हो, उनकी शाइनिंग भी इसके पीछे हैं, इसके नीचे हैं। ये देखिए, ये इस प्रोडक्ट का है और इसकी थिकनेस 17 mm आएगी और बहुत ही अच्छा मार्बल आएगा। इस थिकनेस में मिलने वाला केवल ये एक ही प्रोडक्ट है, बाकी सारे प्रोडक्ट इससे कम थिकनेस के आएंगे, जितने भी अच्छी क्वालिटी के हैं। ये देखिए, इसकी लुकिंग है वो आती है जैसे इसमें बेज वेब्स होती है या पर्पल डॉट्स होते हैं, फिगर होते हैं। हो सकता है लाइट फिगर हो, बिल्कुल एग्जैक्टली ये ट्रेडिशनल फिगरेटिव टाइप नहीं होता कि इसमें स्ट्रेट लाइन या क्रॉस हो। ये मॉडर्न जो फ्लोरिंग है, इटालियन फ्लोरिंग आती है या कोई भी ऐसा जिगजैग टाइप का मटेरियल होता है वो होता है। इसमें बेज कलर है, पर्पल है, दोनों शेड है। हो सकता है ये ज़्यादा वाइट भी हो, ठीक है, व्हाइटिश ज़्यादा भी हो सकता है। हो सकता है ये बेज या पर्पल का जो वेब्स आती है वो बहुत ज़्यादा हो इसमें, ऐसा भी ये आता है। तो ये कुछ भी आ सकता है। पर्टिकुलरली ये स्लेब है जो जिसमें बेज भी है और पर्पल शेड्स भी है, दोनों वेब्स है इसमें। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो नेचुरल ब्लॉक आते हैं, नेचुरल साइजेस आती है। जैसे ये पर्टिकुलरली 6.5 बाई 3.25 का पीस है, इसमें जो साइज चाहिए वो मिल जाता है। लगभग 3 बाई 3 से लेके 10 बाई 8 तक के इसमें साइज़ मिल जाते हैं। जैसे अलग अलग साइज़ भी है और अलग अलग पैटर्न भी है, अलग अलग फिगर है, वाइट ज़्यादा, वाइट कम, फिगरेटिव ज़्यादा, फिगरेटिव कम, सारी चीज़ इसमें। ये जो चार पीस हैं इनकी जो स्लैब है वो ये रही। ये पर्टिकुलरली जैसे 2500 स्क्वायर फिट का लोट है, ये भी अनपॉलिश है। इस पर अपन पानी डाल के और मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये स्लेब है और ये इसके पीस है, चार पीस पॉलिश किए हुए। पॉलिश इस पर बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ही प्रोडक्ट में इतनी पॉलिश आ जाती है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत अच्छी शाइनिंग ऐसे ही आ जाती है। ये देखिए, अब इसमें मैं आपको और दूसरे स्लेब दिखाता हूँ कि लुकिंग और कैसे कैसे इसमें चेंज हो सकती है। देखिए, ये देखिए, पर्टिकुलरली जैसे ये स्लेब हो गया, एक बड़ी साइज़ है, ये साइज़ है अप्रोक्सीमेटली 6 बाई 4। ये देखिए, इसमें पर्पल शेड ज़्यादा है, ये देखिए वाइटनेस भी अच्छी है। ये पर्टिकुलरली जैसे 3000 स्क्वायर फिट का लोट है, ये भी आप देख सकते हैं। और दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये साइज़ आएगा, ये देखिए इसमें वाइटनेस अच्छी है, ये भी वंडर वाइट है और अच्छी लुकिंग है। तो ये है वंडर वाइट, इसको आप लगाओ घर की फ्लोरिंग, और आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। फ्लोरिंग कहीं वॉल का यूज़ हो या कोई भी जगह हो, जहाँ पे भी आप चाहो वहाँ यूज़ कर सकते हो। और सबसे अच्छा अभी फ़िलहाल जो वाइट के अंदर मार्बल आ रहा है, पिछले साल से लेके अभी इस साल तक सबसे ज़्यादा चलने वाला और सबसे ज़्यादा लुकिंग वाइज अच्छा यही प्रोडक्ट है, वंडर वाइट 17 mm थिकनेस, वाइट के अंदर मॉडर्न लुकिंग, बिल्कुल शानदार पॉलिश। ओके, थैंक यू।